द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अज्ञेय जी की लिखी कहानी हर श्रृंगार। गोविंद ने जल्दी से वह बही खोली और उसके पन्ने उलटने लगा, पर दो ही तीन पन्ने उलटकर उसने देखा एक पन्ने से कुछ चिपका हुआ है, जिसे उसने यत्न से उतारा और हाथ पैर फैलाकर देखने लगा। बहुत से फूल एक दूसरे में पिरोकर एक लड़ी सी बनाई गई थी और उसके अंतिम फूल जोड़कर उसकी माला पूरी कर दी गई थी। यही न जाने कब से उस पुरानी बही में दबी हुई थी और सूखकर पीली सी झुरझुरी हो गई थी, किंतु आज भी प्रत्येक फूल अलग अलग दिख रहा था। गोविंद हड़बड़ाया हुआ सा भीतर आया। हड़बड़ाए हुए ही उसने बही खोली थी, पर अपने हाथ में अतीत की इस थोड़ी सी धूल को लेकर वह सब कुछ भूल गया। शांत सा स्तब्ध सा होकर अलमारी के पास पड़े वे स्टूल पर बैठ गया और एक हाथ में बही दूसरे में वह माला लेकर कभी एक की कभी दूसरे की ओर देखने लगा। उसकी आंखें ना जाने क्यों बही में दर्ज हुई एक संख्या पर अटक गई। उसने पढ़ा गुप्तदान 3 और इसके साथ ही उसकी स्मृति ने एक वाक्य जोड़ा, नहीं नाम की क्या जरूरत है। कहां सुने थे उसने ये शब्द, कभी कहीं अवश्य, नहीं तो क्यों वह बाढ़ की तरह एकाएक उसके मन में आए। शायद बहुत बार सुने हैं, पर नहीं उस खास लहजे में उस विशेष झिझक भरे से कांपते स्वर में एक ही बार और मन में धीरे धीरे ये शब्द एक ही बार दोहराता गोविंद उस सूखी माला की ओर देखने लगा। फूल, सूखे फूल, माला में गुथे फूल, नहीं नाम की क्या जरूरत है। गुप्तदान 3, फूलों की माला, हर श्रृंगार के फूल, हर श्रृंगार। गोविंद के हाथ से बही छूटकर गिर पड़ी। माला भी गिर जाती अगर वे इतनी हल्की ना होती और अगर पसीने से गोविंद के हाथ से चिपकी हुई ना होती। गोविंद मानो उन्हें और अपने आप को भूल गया। शून्य की दृष्टि से सामने की सूनी मैली दीवार को देखता हुआ स्वयं एक सजीव स्मृति बना हुआ कुछ देखने लगा। 20 वर्ष पूर्व गुमटी बाजार की गंदी गलियों में से होती हुई वह मंडली धीरे धीरे बाहर निकल आई थी और अब लाहौर शहर की दीवार के बाहर की बस्ती में होती हुई चली जा रही थी। जिस गली में से होकर वे जा रहे थे उसमें साधारण मध्यम श्रेणी के लोग रहते थे, जिनके पास घर नहीं रिहाइश है, धन नहीं गृहस्थी है, जो विद्वान नहीं पढ़े लिखे हैं, संस्कृत नहीं शरीफ है, जो संसार की गति में सबसे बड़े विघ्न हैं, किंतु जो दुनिया की हस्ती को बनाए हुए हैं और कायम रखते हैं। उस मंडली के चारों व्यक्तियों को इस श्रेणी के लोगों का कुछ भी अनुभव नहीं था। वे अनाथालय में पले हुए अनपढ़ भिकमंगे इनके बारे में इससे अधिक क्या जानते कि इन्हीं के छोटे छोटे दान पर उनका अनाथालय चलता था, इन्हीं की दया पर उनकी रोटी का आसरा था। पर फिर भी इस मोहल्ले में प्रवेश करते हुए वे चारों एक स्थान पर रुक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी आंखों में एक ही प्रश्न था, पर कुछ देर तक कोई भी कुछ ना बोला, सब देखते ही रहे। हाँ, सिवाय एक के जो अंधा था वह देख नहीं सकता था, फिर भी उसकी नेत्रहीन आंखें उसके 3 साथियों की ओर लगी हुई थी और अंधों की छठी इंद्रिय सहज बुद्धि से जान गई थी कि किसी सभ्यता के किले मध्यम श्रेणी के मोहल्ले में प्रवेश किया जाने वाला है। उसने अपने गले में एक मैली पगड़ी से बांधकर टांगा हुआ हारमोनियम अपने मैले हाथों से उठाकर शून्य की ओर उन्मुख होकर कहा, गोविंदा जरा मेरे कोट का कॉलर ठीक कर दे। सब सिमट आया है और चुपता है। उसके साथियों में से एक ने आगे बढ़कर
उसका कोट थामते हुए कहा, सूरदास बड़े हैं पर बन सवर कर चलेंगे, जरा मेरा भी हाल देखो जिसके पास कोट है ही नहीं। कहते हुए उसने सूरदास का कोट ठीक कर दिया। गोविंद के शरीर पर वास्तव में कोट नहीं था, उसने अनाथालय के पीले रंग की मोटे खद्दर की कमीज और ऊंची धोती पहन रखी थी और कुछ नहीं, पैर में जूता नहीं था। तलवों में फटी हुई बिवाइयां इतनी ऊपर तक आई हुई थी कि भूमि पर पड़े हुए पैर में भी दिख जाती थी और पैरों के ऊपर एड़ी तक एक काली पपड़ी जमी हुई थी। सिर पर भी कुछ नहीं था, लेकिन बड़े बड़े और उलझे हुए बालों में कोई बदबूदार तेल प्रचुर मात्रा में लगाया था, इतना कि वे माथे, गालों और कानों पर बह आया था और बालों को बिना कंघी के हाथ से चीर कर बिठाने की कोशिश की गई थी। इसीलिए तो माथे के दाईं ओर उलझे हुए बालों का एक बड़ा सा गुच्छा आगे लटक रहा था और दाहिने भौं के ऊपर के किसी पुराने घाव के दाग को आधा छिपा रहा था। उसकी भवें जो पहले ही से कुछ ऐसी थी मानो पहले ऊपर उठने लगी हो और फिर रहा भूलकर इधर उधर हो गई हो। इस घाव के कारण और भी विचित्र मालूम पड़ती थी, पर उसका अंडाकार चेहरा और कमान की तरह खिंचे होठ, जिनके कोने कभी कभी कांप से उठते थे, देखकर जान पड़ता था कि उसमें भावुकता की मात्रा जरूरत से अधिक है, इतनी जितनी अनाथालय में रहने वाले लड़कों ही की नहीं होनी चाहिए। और उसकी आंखें बड़ी बड़ी भावपूर्ण, आतुरता और प्यास को व्यक्त करने वाली, कुछ जानने को उत्सुक थी, इस भावना को पुष्ट ही करती थी। गोविंद की बात सुनकर तीसरे लड़के ने कहा, कोट नहीं है तो क्या हुआ, ठाट तो पूरे हैं। सूरदास हंसने लगा, बोला, ठीक कहा हरी। हरी भी अपने घुंघराले बालों में उंगलियां फेरता हुआ अपने बड़े बड़े होठ खोलकर हंसने लगा। उसकी छोटी सी चपटी सी किंतु नोक के पास कुछ उठी हुई नाक और ऊपर उठ गई। उसकी तीखी और चमकती हुई आंखें कुछ और चमकने लगी। हरी ने और चौथे लड़के ने भी अनाथालय की वर्दी पीली धोती और पीला कुर्ता पहन रखा था, लेकिन दोनों के पैरों में जूता था, यद्यपि टूटा हुआ। हरी गले में एक बड़े बड़े दानों वाली रुद्राक्ष की माला पहने हुए था और चौथे ने एक पूरी इकहरी खद्दर की टोपी से अपनी तीन तरफ से पिचकी और चौथी तरफ से फफोले की तरह उभरी हुई खोपड़ी को भूसित कर रखा था। उसकी टोपी विशेष सफेद नहीं थी, लेकिन उसकी धसी हुई छोटी छोटी आंखें और फाड़कर बनाए हुए मुंह वाले सांवले बेवकूफ चेहरे के ऊपर वे मानो दर्शक की आंखों में चुभती थीं। इस व्यक्ति के हाथ में एक चंदे की बही और कुछ कागज थे जिन्हें वे लपेटकर डंडे की तरह थामे हुए थे। क्षण भर के मौन के बाद सूरदास ने पूछा, यहाँ क्या गाएंगे? हरी और गोविंद ने एक साथ ही मुस्कुराकर कहा, घोंगे से पूछो। क्यों क्यों वे घोंगे, क्या गाएं? घोंगा, उसका घोंगा सा मुंह उनकी ओर फिराकर तनिक हंस दिया और बोला नहीं। सूरदास ने पूछा, प्रभु डूबतो का की तर्ज याद है ना? और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए मुंह उठाकर जल्दी जल्दी हारमोनियम की धोकनी चलाते हुए बजाने लगा। मंडली मोहल्ले की ओर चल पड़ी। उस तीखी संवेद आवाज से मोहल्ले की पुरानी खिड़कियों के चौखट गूंज उठे। उस आवाज से बच भागना मुश्किल जान पड़ने लगा। ऐसे हूल हूल कर प्राणी को घेर घेर कर वे फैलने लगी। प्रभु डूबतो का तू ही है सहारा, सिवा तेरे दूजा नहीं है हमारा। गली के मोड़ तक केवल उन्हीं का स्वर मोहल्ले पर अखंड शासन कर रहा था, पर मोड़ पर आते ही उस मंडली को सुन पड़ा आगे कहीं ढोल बज रहा है और कोई बड़ी पतली और तीखी आवाज में ढोल के साथ गा रहा है, मजनू होके मारदा लैला ओ गमदे विच, मजनू होके मारदा। मंडली ने देखा गली में नट का तमाशा हो रहा है और लड़के लड़कियों की भीड़ से
गली भी बंद हो रही है। वे भी चुप होकर देखने लगे। उन्हें मनोरंजन की सामग्री कभी नहीं मिली थी, लेकिन उससे क्या, उनकी चाह मर गई थी। अभी क्षण भर तक वे स्वयं नाथ हैं, क्षण भर बाद जब अनाथ हो जाएंगे तब पुकारेंगे कृष्ण को और मांगेंगे भीख, दुहाई देंगे हिंदू धर्म की। नट एक खेल दिखाने के बाद दूसरे की तैयारी करने लगा और उसके साथ का वह अनवरत तीखा गान भी थोड़ी देर के लिए रुक गया। तब अनाथ मंडली ने एकाएक फेफड़ों की पूरी शक्ति लगाकर गाना शुरू किया। तुझे ना सुनाऊं तो किसको सुनाऊं, सुना डूबतों का तू ही है सहारा। जब प्रतिद्वंद्वियों की इस मंडली को देखकर नटने और उसके साथ के लड़के ने मिलके ऊंचे स्वर से आलाप आरंभ किया, तब इन्हें भी जोश आया। इनका स्वर भी अधिक तीखा हुआ और सूरदास तो हारमोनियम पर इस प्रकार पटक पटक कर हाथ चलाने लगा कि उसका खटखट स्वर मानो तबले का काम करने लगा। तभी एक घर में से एक लड़का बाहर निकला और गोविंद के पास आकर कहने लगा, भाई तुम ऊपर आकर गाना सुनाओ। गोविंद उस प्रतियोगिता में इतना तन्मय था कि जब लड़के ने अपनी बात दोहराई और सूरदास ने डपट कर कहा, सुनता नहीं, तभी उसने समझा कि उसे क्या कहा जा रहा है। मंडली उस लड़के के पीछे पीछे ऊपर चली गई। ऊपर पहुंचते ही किसी पुरुष के भारी से स्वर ने कहा, यहां बैठ जाइए चटाई पर। हरि और घूंगा बैठ गए और गोविंद ने सूरदास से कहा, सुरा ये चटाई है, बैठो, और हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। उसी भारी से स्वर वाले व्यक्ति ने कहा, कोई अच्छा सा भजन सुनाओ। हरि ने उंगली सूरदास की पसली में गड़ाकर इशारा किया कि वह चुना हुआ भजन हारमोनियम पर आरंभ करे। सूरदास कुछ सोचता हुआ सा हारमोनियम पर उंगलियां फेरने लगा। इस अरसे में गोविंद ने कमरे की वस्तुओं और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों को देख लिया। मंडली दरवाजे के पास ही चटाई पर बैठी थी। उनके सामने की ओर चारपाई पर एक लड़की कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। उसकी मुद्रा से जान पड़ता था वह बहुत दिनों की रोगिणी है और जिस स्थिर आपलक किंतु शून्य दृष्टि से वह मंडली की ओर देख रही थी, उससे उसके भविष्य के बारे में आशा का भाव नहीं होता था। उसके पैताने एक प्रौढ़ा स्त्री, शायद उसकी माँ बैठी थी और सिराने से कुछ हटकर आराम कुर्सी पर वही व्यक्ति जिसके भारी से स्वर ने उन्हें बैठने को कहा था। गोविंद की दाई ओर दीवार के सहारे दो युवतियां खड़ी थी जो आकृति से रोगिणी की बहनें जान पड़ती थीं। ऊपर दीवार पर विभिन्न मुद्राओं में कृष्ण के तीन चार चित्र टंगे थे। सूत का एक बड़ा सा लच्छा टंगा हुआ था और उसके सामने एक अधमैला गीला तौलिया, खिड़की के चौखटे में एक कंघी, शीशा, साबुन, मंजन की डिबिया, एक पत्थर का गिलास और दवाई की दो एक शीशियां पड़ी थीं। एक बार ये सारा दृश्य देखकर गोविंद की दृष्टि दोबारा रोगिणी के कंबल से उठती हुई धीरे धीरे उसके मुख की ओर जा रही थी। धीरे धीरे डरते डरते शशंक की कोई देख ना ले वह थोड़ी तक पहुंची थी कि सूरदास ने एकाएक गाना आरंभ कर दिया। उसका ध्यान लौटकर भजन की ओर गया और वह भी एक गहरी सांस भरकर गाने लगा। अपना पता बता दे ओ बंसी वाले, तू किस जगह बसा है। पर गाते गाते उसे अवसर मिला इधर उधर देखने का, तो वह ना जाने क्यों अपने ही साथियों की ओर देखने लगा और देखने लगा एक नई दृष्टि से, जिसमें एक नई और गहरी आलोचना थी और था एक अपरिचय का सा भाव। गोविंद ने देखा हरि बीच बीच में आंख चुराकर दीवार के पास खड़ी दोनों युवतियों की ओर देख लेता था और तब तक देखता रहता था जब तक कि इस आशंका से कि वे उसकी ओर ना देख लें उसे अपनी दृष्टि हटानी पड़ जाती थी। और घोंगा बिल्कुल आपलक दृष्टि से उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ भी भाव नहीं था, वे थी किसी समुद्री जंतु की आंखों की तरह।
खुली खुली बर्फ सी पथराई हुई किंतु चमकदार। गोविंद की दृष्टि फिर उस रोगिणी की ओर गई। उसने अब की बार देखा उसके सिराने के पास कुछ एक फूल पड़े थे और वह कभी कभी आंख उठाकर उनकी ओर देख लेती थी और फिर इस मंडली की ओर या शून्य की ओर देखने लग जाती। तभी गाना समाप्त हो गया और गोविंद की दृष्टि फिर सिमट गई अपनी चटाई के कुछ आगे के फर्श तक जाकर रुक गई। एक युवती ने कहा, पिताजी इनको कहिए कोई अच्छा सा भजन सुनाए, ये तो हमारे सुने हुए हैं। पिता ने मंडली की ओर देखकर कहा, हाँ भाई कुछ और सुनाओ। गोविंद को एकाएक लगा उसने अपने 5 वर्ष के अनाथ जीवन में जो कुछ सीखा सब व्यर्थ रद्दी छिचोरा है, ये तो हमारे हुए हैं। वे टटोलने लगा अपने जीवन को, खोजने लगा कि क्या है उसमें जो इतना सस्ता नहीं हो गया है, जो कि सुना हुआ नहीं है, जिसका आदर है, कुछ मूल्य है, कुछ नहीं। उसने फिर अपने साथियों की ओर देखा, क्या उनके मन में भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है। घूंगे के मन में गोविंद का अंतर एक बड़ी उपहासपूर्ण हंसी से भर उठा, जिसके बाद आई एक आत्मग्लानी की लहर। इसी व्यक्ति के साथ मैं इतने वर्षों तक रहता आया हूँ, सख्त का बर्ताव रखता आया हूँ, इस मिट्टी के लौंदे के साथ। हरि के मन में शायद, पर उसके मन में शायद और ही कोई भाव है। वह क्यों ऐसे उन युवतियों की ओर देख रहा है? गोविंद को याद आया अनाथालय में पढ़ते पढ़ते लड़के जिनमें वह भी था, वह भी अपनी सलेटों पर स्त्रियों के शरीर के कल्पनात्मक चित्र देखे कब थे उन्होंने, स्त्रियों के शरीर बना बनाकर उन पर भद्दे भद्दे वाक्य लिखकर मास्टर की आंख बचा बचा कर एक दूसरे को दिया करते थे। हरि की दृष्टि को देखते हुए गोविंद को वे सब वाक्य याद आ गए और वह रोगिणी की ओर देखता हुआ सोचने लगा कि कैसे वे इसमें भाग ले सकता था, कैसे वे इन सब पशुओं में एक होकर रह सकता था। देर होती जा रही थी और गाना आरंभ नहीं हुआ था। तीनों व्यक्ति अब सूरदास की ओर देखने लगे। गोविंद सोचने लगा, इस समय मैं ही भजन बना सकता तो क्या ऐसा भजन नहीं बना सकता जो नया होता, अभूतपूर्व, जो सुना हुआ की श्रेणी में ना आ पाता। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं, इतना अभूतपूर्व होता वह। आखिर सूरदास ने गाना आरंभ किया, कोई तुझसा गरीब नवाज नहीं, तेरे दर के सिवा कोई दर न मिला। पर गोविंद को लगा यह गाना जो उसने अनाथालय के बाहर कभी नहीं गाया था, वहीं अभ्यास के लिए गाया था, ये गाना भी पुराना है, सड़ा हुआ है, क्योंकि पराया है उसका बनाया नहीं है, उसके हृदय का अभिन्न निचोड़ नहीं है, वह गा नहीं सका। उसने घोंगे के हाथ से कागज वगैरह ले लिए और जेब से एक घिसा हुआ पेंसिल का टुकड़ा निकालकर चंदे की कॉपी के अंक जोड़ने लगा। पर उसमें मन कैसे लगता, उसके मन में आई एक अशांति जो हटाए नहीं हटी। उसे लगा उसके जीवन में अब तक कुछ नहीं हुआ, जो कुछ है उसके जीवन के बाहर ही है, बाहर ही रहेगा। वह सोचने लगा, वह माँ के मरने पर अनाथ नहीं हुआ, बाप के मरने पर नहीं, समाज से निकलकर नहीं, पर अनाथालय में आकर वे अनाथ हो गया, क्योंकि वहां आकर स्वयं उसकी आत्मा मर गई उसे अकेला छोड़कर। अब वे क्या है, बहुत सी निरर्थक मशीनों को चलता रखने के साधन बटोरने वाली एक बड़ी मशीन का निरर्थक पुर्जा। भोजन उतना पाओ कि जीते रह सको, जियो ऐसे कि भोजन पाने में समर्थ हो सको, चंदा मांगो कि पढ़ लिख सको, पहन सको, पहनो ऐसे कि चंदा मांगने में सहायक हो। व्यक्ति में समाज का, समाज में व्यक्ति का, धर्म में दोनों का और धर्म का दोनों में विश्वास बनाए रखने के लिए
कीड़े बनकर आओ और कीड़े बनकर रहो। गोविंद का विचार फिर रुक गया सामने पड़ी रोगिणी की ओर देखकर। क्या यह भी उन्हीं में से है जो हमें कीड़ा बनाए रखने के उत्तरदायी हैं? ये शायद हमें कुछ चंदा देंगे और औरों की तरह अपने से और संसार से संतुष्ट होकर और रुपया बटोरने लग जाएंगे। औरों में और इनमें क्या भेद है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर उसकी आत्मा नहीं मानी, नहीं मानी। विद्रोह करके कहने लगी, यही तो तुम्हें कीड़े से कुछ अधिक बनाने के साधन हैं। गाना समाप्त हो गया। तभी रोगिणी के पैताने बैठी हुई स्त्री ने उठकर रोगिणी के सिराने के नीचे से 2 रुपए निकाले और बोली, बेटी इन्हें छू दे, इनको देने हैं। बेटी ने कंबल के भीतर से एक क्षीण उंगली निकालकर उन्हें छू दिया। पिता की भारी सी आवाज ने कहा, लो भाई यह हमारी ओर से, और चुप हो गए। माँ ने हाथ बढ़ा दिया। गोविंद ने उठकर रुपए थामते हुए पूछा, रसीद में क्या नाम लिखूं? कोई उत्तर नहीं मिला। उसने रसीद बनाकर फिर पूछा, नाम बता दीजिए तो। नहीं, नाम की क्या जरूरत। गुप्तदान 3। रसीद देकर क्षण भर गोविंद कुछ नहीं कर सका, ना उसके साथी ही हिले। यद्यपि यह तो सभी जानते थे कि अब उठकर बाहर जाना ही है। सड़क पर गलियों में मांगते हुए आगे आगे सूरदास का हाथ थामे घोंगा, फिर हरी और फिर गोविंद सीढ़ी उतरने लगे। गोविंद को लग रहा था कि वे कहीं से उठकर आया है और ऐसे ही नहीं जा सकता। कुछ अभी होना चाहिए, कोई घटना घटनी चाहिए। गोविंद ने सुना रोगिणी अस्पष्ट स्वर में कुछ कह रही है, और तभी बड़ी युवती ने पुकार कर कहा, यह भी ले जाओ। गोविंद ने लौट कर देखा, वही हार श्रृंगार की माला उसे दी जा रही थी। उसने उसे लेते हुए युवती के मुख की ओर देखा, फिर सब की ओर और फिर रोगिणी की ओर, और उतर गया। तब अभी नटका साथी गा रहा था, मजनू होके मारदा लैला दे ओ गम दे विच, मजनू होके मारदा। गोविंद के मन में प्रतियोगिता का भाव नहीं उठा। उसे लगा वे स्वर बड़ा मधुर है, वे भाव बहुत सत्य, बहुत महत्वपूर्ण। मजनू होके मारदा लैला दे ओ गम दे विच, वह भी तो किसी कमी का द्योतक है। वहां से सड़क पर गलियों में मांगते हुए, पर क्या मांगते हुए? पैसा, दान, दया, शिक्षा, मांगते हुए तृप्ति, मांगते हुए अनुभूति, मांगते हुए जीवन, जो सड़क पर गलियों में नहीं मिलता, जो मिलता है कहाँ मिलता है? बस इतना ही तो। 20 साल बाद याद करने को इतनी सी एक बात, पर गोविंद को याद आया वे इतनी सी बात नहीं थी जो बात सारे अस्तित्व को, सारे संसार को बदल दे, चाहे क्षण भर के लिए ही। वे कैसे शुद्र हो सकती है? सड़क पर आकर जब गोविंद का ध्यान अपने साथियों की ओर गया, तब वे उसकी इस अन्य मनसकता पर आलोचना कर रहे थे, और उस अंतिम उपहार पर जो उसे मिला था। वे आलोचनाएं क्या थी गोविंद अपने मन के सामने नहीं आने देगा। यद्यपि इस समय भी वे भोंडी छुरी की तरह चुभती हैं उसके मन में। गोविंद चाहता था उन्हें पकड़ पकड़ कर पीट डाले। जो बातें वे स्वयं नित्य कहा करता था, वही कहने के लिए उन्हें घोट घोट कर मार डाले। उसके भीतर एक शांति थी जो इतने दिनों के निरर्थक जीवन को सफल किए दे रही थी। उसके भीतर एक अशांति थी जो इतने दिनों से जमे हुए जीवन के प्रति स्वीकृति का भाव नष्ट किए डालती थी। वह चाहता था एकदम इन सब के जीवन से निकल जाए, इन्हें अपने जीवन से निकाल फेंके, इन्हें इनके अनाथालय को, इनकी स्मृति को। इससे भी अधिक वह चाहता था कुछ, पर उसके अनाथालय के शुद्र जीवन ने उसे कुछ के लिए उपयुक्त शब्द नहीं दिए थे। वह स्वयं अपने सामने प्रकट करने में असमर्थ था। तभी वे बिना शब्दों के, बिना वाक्यों के, बिना व्याकरण के बंधनों के
अपने आप से कह रहा था, स्त्री के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी मधुर नहीं है, कुछ भी मृदुल नहीं है, कुछ भी सुंदर नहीं है। स्त्री जो केवल स्त्री ही नहीं, संसार की कुल सुंदर और मधुर वस्तुओं की प्रतिनिधि है, वे क्यों नहीं आई उसके जीवन में? मनुष्य के जीवन की सारी प्रगति जिस एक दिव्य अनुभूति की ओर, जिस अचरज की ओर है, वे क्यों नहीं हुआ उसके जीवन में? पहले वे अंधा था, किंतु जब उसकी आंखें खुल गई, तब भी इतनी प्रतीक्षा करके भी उसे कुछ क्यों नहीं दिखा? क्यों धीरे धीरे उसी अनाथालय ने उसे फिर घेर लिया, जिसे एक बार उसने असह घृणा से ठुकरा दिया था? गोविंद ने धीरे धीरे, जैसे कष्ट में झुककर, वह वही जमीन पर से उठा ली, वे हार श्रृंगार के फूलों की राख यथास्थान रखी, वही को बंद कर दिया, उठ खड़ा हुआ। गोविंद ने एक बार अपने चारों ओर धूल के पर्दे में ढके हुए कमरे की दीवारों और फर्श की ओर देखा और सोचा, इस अनाथालय की इस अनात्मा यथार्थता ने उस अचरज को नष्ट कर दिया, उसे होने नहीं दिया। पर साथ ही उसने पूछा, क्या ये सब यथार्थ है, वास्तविक है? यह टूटी मेज, यह कुर्सी, ये बही, उस फूल की राख से, उसने उत्पन्न होने वाली छायाओं से अधिक यथार्थ, अधिक वास्तविक, अधिक सत्य? गोविंद ने आवाज दी, राम, केशो, देवा, तैयार हो जाओ। चार पांच लड़के इकट्ठे हो गए, एक अंधा भी, हारमोनियम गले में डाले, वही फटे पुराने पीले कपड़े, वही तेल में चुपड़े हुए बाल, वही ओछा श्रृंगार, वही मंडली, वही भीख। गोविंद सोचने लगा, 25 साल से वे भीख मांग रहा है, शायद 25 साल और मांगता रहेगा। यही सत्य है, यही यथार्थ है। 20 बरस पहले एक क्षण आया था, आज 20 वर्ष बाद फिर आया, जिसमें उसने इस अनाथ जीवन की सारी कटुता, कठोरता, विषाक्त, निस्सहायता का अनुभव किया। पर वे अनाथ ही है, वह अनाथ ही रहेगा। अनाथ जीवन का वासनाओं, पीड़ाओं, संघर्षों, अंधियारी घटनाओं से अनाहत और अशुण रहने वाली प्रकांड शून्यता को भरने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बाहर निकलकर जब उसने लड़कों से कहा, गाओ, सुना दे कृष्णा, तब एकाएक कोई विश्वास उसके मन में जाकर पूछने लगा। एक ही बार स्त्री ने उसके जीवन में पैर रखा, वही पद चिन्ह की तरह पड़ी है फूलों की एक माला, तब क्या आगे के इस विराट अंधकार में एक भी किरण नहीं है? इस मरुस्थल में, जिसे उसने नहीं बताया, क्या एक भी कली ना खिलेगी? वहां बाहर सड़क पर, गलियों में, क्या एक भी घर नहीं होगा? एक भी स्त्री मुख, एक भी मधुर पुकार? अनाथ जीवन की इस विषैली रिक्तता को भरने के लिए एक भी स्मृति, हर श्रृंगार का एक भी फूल? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।